everyone, back to our YouTube channel Agriculture and GK Knowledge for All. मेरा नाम मोनिका टिकरिया है और आज मैं आप लोगों से कल्टीवेशन ऑफ कॉटन क्रॉप डिस्कस करने वाली हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कर दीजिए। Before we start the video, there is an important information regarding complete notes of Cotton Corporation of India Agriculture Part. अगर आप इस ई-बुक को बाय करना चाहते हैं तो आपको 799 रुपीस फोन पे ऐप से इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना होगा। इस ई-बुक में आपको क्वेश्चन बैंक इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पीडीएफ वीडियो लेक्चर्स और साथ में सम स्टडी मटेरियल फॉर मैथ्स रीजनिंग जीके जीएस इंग्लिश पार्ट भी प्रोवाइड कराई जाएंगी। मिड फरवरी से हम सीसीआई के लिए मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। जो इस ईबुक को बाय करेंगे उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट है। कल्टीवेशन ऑफ कॉटन। कॉटन का बॉटनिकल नेम होता है गोसाइपियम स्पीशीज, फैमिली मालवेसी, ओरिजिन मैक्सिको और इंडिया बोथ। इफ अगर क्वेश्चन में पूछेगा न्यू वर्ल्ड कॉटन अमेरिकन कॉटन की ओरिजिन क्या है तो मैक्सिको टिक करेंगे। इफ क्वेश्चन में पूछेगा देसी कॉटन या ओल्ड वर्ल्ड कॉटन की ओरिजिन क्या है तो इंडिया टिक करेंगे। इसलिए दोनों ही कॉटन की ओरिजिन है। अमेरिका में कॉटन को वाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है। इट इज ऑल्सो कॉटन इज ऑल्सो कॉल्ड एज किंग ऑफ एप्रेशियल फाइबर। एप्रेशियल मीन्स जिसकी बाइंग एंड सेलिंग प्रॉपर्टी होती है। फाइबर्स को जनरली जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में काफी यूज किया जाता है। इन इंडिया बीटी कॉटन इज ग्रोन अबाउट 8.4 मिलियन हेक्टेयर। इंडिया में बीटी कॉटन जो हम कल्टीवेट करते हैं वो 8.4 मिलियन हेक्टेयर एरिया में इसका प्रोडक्शन किया जाता है, जो कि 86% ऑफ टोटल कॉटन एरिया का 86% है इन 2019 में। बीटी कॉटन इज अगेंस्ट बॉलवर्म पेस्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉटन। बीटी कॉटन हम लोग बॉलवर्म से प्रोटेक्ट करने के लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के तहत इसे यूज करते हैं कॉटन में, क्योंकि कॉटन का जो मेन इंसेक्ट पेस्ट जो है वो क्या है, बॉलवर्म। रूट सिस्टम इसका कैसा टाइप से होता है, टैप रूट सिस्टम होता है। इसकी डेप्थ क्या होती है, रूट डेप्थ 3-4 मीटर होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीशीज। कॉटन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। उससे पहले आउट ऑफ 20 स्पीशीज ऑफ कॉटन ओनली 4 आर कल्टीवेटेड। टोटल 20 स्पीशीज होते हैं कॉटन के, उसमें से 4 को ही हम कल्टीवेट करते हैं। 4 को भी अगर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक ओल्ड वर्ल्ड कॉटन एंड न्यू वर्ल्ड कॉटन। ओल्ड वर्ल्ड को हम इंडियन कॉटन भी बोलते हैं एंड न्यू वर्ल्ड इज ऑल्सो कॉल्ड एज अमेरिकन कॉटन। ये ओल्ड वर्ल्ड कॉटन और न्यू वर्ल्ड कॉटन में क्यों डिवाइड किया गया है, इसका मीनिंग देखते हैं क्या होता है। ओल्ड वर्ल्ड कॉटन मीन्स बिफोर क्राइस्ट, मतलब बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, उसको डिनोट किया गया है ओल्ड कॉटन से। और आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट उसको हम बोलते हैं न्यू वर्ल्ड कॉटन। तो ओल्ड वर्ल्ड कॉटन में दो आते हैं, पहला है गोसाइपियम आर्बोरियम, सेकेंड गोसाइपियम हर्बेरियम। दोनों का प्रोनंसिएशन थोड़ा सिमिलर है, अगर आपको याद रखना है चारों में, अगर आप बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं तो ऐसे याद कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे प्रोनंस किया गया है आर्बोरियम बोरियम, यहाँ पे प्रोनंस किया गया है हर्बेरियम बेरियम। तो आप उससे याद कर सकते हैं कि जो भी बेरियम बैरियम बोरियम करके आता है वो इंडियन कॉटन है, देसी कॉटन। देसी कॉटन नेचर में इनका नेचर क्या होता है, डिप्लॉइड होता है। मींस 2n इज इक्वल टू 26, अगर n का पूछे हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स देन इट इज 13। और वहीं अमेरिकन कॉटन जो होते हैं वो टेट्राप्लॉइड होते हैं, मींस 2n इज इक्वल टू 52 एंड एन इज इक्वल टू 26। अमेरिकन कॉटन में कौन कौन से आते हैं, गोसाइपियम हिर्सुटम गोसाइपियम बारबाडेंस।
इसका डिफरेंशिएशन देखते हैं हम प्लांट हाइट में, वेरिएशंस देखते हैं। तो जनरली देखा जाए तो एवरेज 1.5 आप ले सकते हैं। जैसे आर्बोरियम की हाइट है 1.5-2 मीटर, हर्बेरियम की हाइट है 1-1.5 मीटर, हिर्सुटम की 1.5, बारबाडेंस की 1.5 एंड अकॉर्डिंग टू फाइबर लेंथ। अगर देखें तो आर्बोरियम की 1.25 से 2 सेंटीमीटर, हर्बेरियम की भी 1.5 टू 2.5 सेंटीमीटर, हिर्सुटम की भी 1.8 टू 3 सेंटीमीटर, बारबाडेंस की सबसे ज्यादा होती है फाइबर लेंथ 3.6 टू 5 मीटर, सॉरी 5 सेंटीमीटर। एरिया परसेंटेज देखा जाए कि इंडिया में सबसे ज्यादा इन चारों में से कौन सी स्पीशीज को कल्टीवेट किया जाता है, तो हाईएस्ट सबसे फर्स्ट नंबर पे आएगा आपका गोसाइपियम हिर्सुटम जो कि 50% है, सेकंड में आएगा आर्बोरियम 29%, थर्ड में होगा हर्बेरियम जो कि 21% है, लास्ट में आता है बारबाडेंस जो कि 0.2% है। गोसाइपियम हिर्सुटम की ओरिजिन अमेरिका है, वहीं गोसाइपियम बारबाडेंस की ओरिजिन इजिप्ट होती है या फिर आप बोल सकते हैं पेरू, इसीलिए इसको इजिप्टियन कॉटन भी बोलते हैं या फिर सी आइलैंड कॉटन भी बोला जाता है, क्योंकि जनरली जो बारबाडेंस का कल्टीवेशन सी शोर के पास या सी आइलैंड के पास में किया जाता है, इसीलिए इसको सी आइलैंड कॉटन भी बोलते हैं गोसाइपियम बारबाडेंस को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट हम आते हैं टाइप्स ऑफ ब्रांचेस। कॉटन में दो टाइप की ब्रांचेस होती है, एक मोनोपोडियल एक सिंपोडियल। मोनोपोडियल मींस जो कि वेजिटेटिव ब्रांचेस ऑक्सिलरी बर्ड से ग्रो होता है, जैसे इस डायग्राम में डायग्राम उतना अच्छा नहीं है बट समझने के लिए काफी है। जैसे इस ब्रांच में आपका कोई भी पॉड डेवलपमेंट नहीं हुआ है, मींस ये वेजिटेटिव ब्रांच है, और जिस ब्रांच में आपका पॉड डेवलपमेंट हुआ है वो आपका रिप्रोडक्टिव ब्रांच है। तो ये हमारा सिंपोडियल ब्रांच होगा और ये हमारा मोनोपोडियल ब्रांच होगा। तो आप देख सकते हैं जैसे कि मोनोपोडियल ब्रांच आपका किससे अटैच है, तो ये आपका मेन स्टेम है, तो आपका मेन स्टेम से अटैच है मोनोपोडियल ब्रांच, और वहीं सिंपोडियल ब्रांच आपका मेन स्टेम से भी अटैच है और मोनोपोडियल ब्रांच से भी अटैच है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है गोसाइपियम बारबाडेंस इज आल्सो नोन एज सी आइलैंड कॉटन। इसको सी आइलैंड कॉटन क्यों बोलते हैं हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि शी शोर के पास जनरली गोसाइपियम बारबाडेंस का कल्टीवेट किया जाता है, 0.2% ही इसका एरिया में प्रोडक्शन में कॉन्ट्रीब्यूशन है। ब्लैक कॉटन सॉइल इज बेस्ट फॉर द कॉटन कल्टीवेशन। कॉटन कल्टीवेशन के लिए एलुवियल सॉइल या फिर ब्लैक कॉटन सॉइल बेस्ट होता है। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ देसी एंड अमेरिकन कॉटन। देसी हम इंडियन कॉटन को बोलते हैं, देन अमेरिकन कॉटन। इंडियन में कौन कौन सा आता है, आर्बोरियम एंड हर्बेरियम, और अमेरिकन में आता है हिर्सुटम एंड बारबाडेंस। इसका दोनों में सीड रेट में भी डिफरेंस है। अगर इंडियन कॉटन की देखें तो 10-18 kg पर हेक्टेयर, अमेरिकन कॉटन की बात करें तो 15-25 kg पर हेक्टेयर। अमेरिकन कॉटन को थोड़ा सा इससे ज्यादा अमाउंट में लगान सोइंग करना पड़ता है। फाइबर कलर डल एंड लाइट ब्राउन। इंडियन जनरली थोड़े इससे सांवले होते हैं, तो आप उससे याद रख सकते हैं इसका कलर, अगर आप याद करना चाहें तो फाइबर का डल एंड लाइट ब्राउन होता है, और अमेरिकन कॉटन वाइट एंड क्रीमी। गिनिंग परसेंटेज इंडियन कॉटन की 36-42% होता है और अमेरिकन कॉटन का 28-32% होता है। ऑयल इंडियन कॉटन में 26%, अमेरिकन कॉटन में 18%। इसे समझने के लिए आप ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे इंडियंस को थोड़ी ऑयली फूड्स ज्यादा पसंद होते हैं, तो उसमें जो है ऑयल कंटेंट हमारा ज्यादा होता है 26%। अमेरिकन को उतना ऑयली फूड नहीं पसंद होता, वो थोड़े बॉइल्स फूड ज्यादा पसंद करते, तो उनका होगा 18%। हाँ अच्छा,
एक बात और, गिनिंग परसेंट क्या होता है? जब हम फाइबर को कॉटन सीड से अलग करते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं गिनिंग। गिनिंग परसेंट आपका अगर एवरेज मान ले तो 33% के आसपास आती है, तो इंडियन कॉटन में ये परसेंटेज ज्यादा है एज कंपैरिजन टू अमेरिकन कॉटन। नेक्स्ट वी डिस्कस सीड रेट। सीड रेट का डिस्कस करेंगे हम। हाइब्रिड कॉटन में 2 to 3 kg पर हेक्टेयर, 100 x 60 cm स्पेसिंग में। हाइब्रिड का जो सीड रेट होता है वो 2 to 3 kg होता है, 2-3 kg पर हेक्टेयर। वहीं बीटी कॉटन का देखें तो 1-1.5 kg पर हेक्टेयर। इसकी स्पेसिंग होती है 100 x 100, तो स्पेसिंग इसकी 100 x 100 होगी, तो एक हेक्टेयर में प्लांट का पॉपुलेशन कितना आएगा? 10,000। इन दोनों का आप स्पेशली सीड रेट अच्छे से याद करके जाइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में जनरली यही पूछा जाता है। हाइब्रिड कॉटन का सीड रेट क्या होगा? 2-3 kg पर हेक्टेयर। बीटी कॉटन का क्या होगा? 1-1.5 kg पर हेक्टेयर। और वहीं देसी कॉटन और अमेरिकन कॉटन का अप्रोक्स सिमिलर होता है, 67.5 x 30 cm, 67.5 x 30 cm, दोनों का सेम होता है। 67.5 प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस है, 30 cm रो टू रो डिस्टेंस है। एवरेज प्लांट पॉपुलेशन कितना होता है देसी और अमेरिकन कॉटन के लिए? 50,000-80,000 एवरेज अगर आप मान लें तो 66,000 प्लांट पॉपुलेशन होती है इसकी एक हेक्टेयर में। सोइंग टाइम अगर हम डिस्कस करेंगे तो नॉर्थ इंडिया में इसका सोइंग टाइम होता है कॉटन का फर्स्ट फोर्थ नाइट ऑफ मई। फर्स्ट फोर्थ नाइट मतलब मंथ का जो स्टार्टिंग का 15 days होता है उसको फर्स्ट फोर्थ नाइट बोला जाता है, और सेकेंड 15 days को सेकेंड फोर्थ नाइट बोलते हैं। तो नॉर्थ इंडिया में ये फर्स्ट फोर्थ नाइट ऑफ मई है, सेंट्रल इंडिया में ये लास्ट वीक ऑफ जून टू फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में सोन कर दिया जाता है, और तमिलनाडु में सितंबर अक्टूबर में। वैरायटीज ऑफ कॉटन, इसके वैरायटीज को आप बार बार डिस्कस करेंगे, बार बार याद करेंगे, तभी आपको ये याद रहेगा, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन होता है इसके वैरायटीज में। तो इसको हम अकॉर्डिंग टू वैरायटीज देखते हैं। देसी ओल्ड ओल्ड वर्ल्ड कॉटन की वैरायटीज है G777, दिग्विजय। देसी मतलब कौन कौन से? नो, एक हर्बेरियम एंड आर्बोरियम, याद रखिएगा, डोंट कंफ्यूज विद द वर्ड्स। G777 दिग्विजय देसी ओल्ड कॉटन की वैरायटी है। इंटर स्पेसिफिक, इंटर स्पेसिफिक मतलब होता है क्रॉसिंग ऑफ टू स्पीशीज फ्रॉम द सेम जीनस, दो सिमिलर स्पीशीज के बीच जब हम क्रॉस कराएंगे दैट इज कॉल्ड एज इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। तो इसका जो फर्स्ट इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड कॉटन था उसका एग्जाम्पल है वारा लक्ष्मी, जो कि क्रॉस है लक्ष्मी और SB280E का। लक्ष्मी जो है वो गोसाइपियम बारबाडेंस है, और SB280E जो है वो गोसाइपियम हिरसुटम की एक स्पीशीज है। तो उन दोनों के क्रॉस से वारा लक्ष्मी बनाई गई थी। इसको किसने डिस्कवर किया था? S.A. पाटिल ने 1972। सेकेंड है DCH329 हाइब्रिड HB224, DHB105। इंट्रा स्पेसिफिक मीन्स जब दो सिमिलर स्पीशीज, इट इज द हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन डिफरेंट सब स्पीशीज विद इन अ स्पीशीज, मतलब दो सिमिलर स्पीशीज के बीच में अगर हम क्रॉस कराएंगे देन इट इज कॉल्ड एज इंट्रा स्पेसिफिक। इसकी वेराइटी है H4, ये फर्स्ट इंट्रा स्पेसिफिक वेराइटी है। इसको CT पटेल ने दिया था 1970 में गुजरात एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से। H4 और H6 होता है एक, सविता, सूर्या और JK HY1, ये सब इंट्रा स्पेसिफिक का एग्जाम्पल है। इजिप्टियन कॉटन का अगर बात करें तो जो कि किसका एग्जाम्पल है? गोसाइपियम बारबाडेंस का, सुजाता एंड सुवीन।
एस से है दोनों सिमिलर, सुजाता एंड सुवीन। अमेरिकन कॉटन में MCU 4, 5, 8, 9, जो भी MCU वाली वैरायटी होगी आप उसको बोल सकते हैं कि वो अमेरिकन कॉटन की होगी, मींस गोसाइपियम हिरुसिटम। MCU की जो वैरायटी होती है वो एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल वैरायटी के नाम से फेमस है। नेक्स्ट वैरायटीज अकॉर्डिंग टू स्पीशीज, स्पीशीज के अकॉर्डिंग अगर हम वैरायटी को क्लासिफाई करें तो जी आर्बोरियम की दो फेमस वैरायटी है लोहित एंड विरनार। लोहित जनरली रेड कलर की होती है। जी हर्बेशियम, दिग्विजय संजय, दिग्विजय संजय सिमिलर राइम्स टाइप से वर्ड हैं तो आपको याद हो जाएगा ये। जी हिर्सुटम इसका एग्जाम्पल है, ये दो इम्पॉर्टेंट इसकी वैरायटी है हिर्सुटम की। गंगानगर अगेटी, सर यहाँ पर कॉमा नहीं है, ये दोनों साथ में एक ही मतलब साथ में है दोनों, गंगानगर अगेटी। सेकेंड बीकानेरी नरमा एंड महालक्ष्मी, मतलब थोड़े बड़े बड़े से जो नाम है एकदम अलग अलग से, गंगानगर अगेटी, बीकानेरी नरमा, महालक्ष्मी। ये किसका, ये कौन सी किसके वैरायटी है, गोसाइपियम हिर्सुटम के। बारबाडेंस के हम लोगों ने अभी देखा था सुवीन एंड सुजाता SS वाले। हाइब्रिड वेराइटीज में H4 फर्स्ट कमर्शियल हाइब्रिड वेराइटी है जो कि इंट्रा स्पेसिफिक है। ये क्रॉस है किसके किसके बीच, G67 क्रॉस अमेरिकन नेक्टरलेस, किसने दी थी, GT पटेल ऑफ गुजरात एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन 1970। ये आपको याद रखना, डॉक्टर CT पटेल ने H4 वैरायटी जो कि फर्स्ट इंट्रा स्पेसिफिक वैरायटी है, और बारह लक्ष्मी हमारी इंटर स्पेसिफिक। ये बहुत क्लोजली आप इसे याद रखना कि जो H4 है वो इंट्रा स्पेसिफिक वैरायटी है और हमारी बारह लक्ष्मी जो है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड वैरायटी है जो कि बिटवीन जी हिर्सुटम क्रॉस जी बारबाडेंस रिलीज फ्रॉम UAS धारवाड़ कर्नाटका। थर्ड ये किसके एग्जाम्पल्स हैं, हाइब्रिड वेराइटीज के एग्जाम्पल्स हम अभी डिस्कस कर रहे हैं हाइब्रिड वेराइटीज के। थर्ड है मारू विकास जो कि फर्स्ट हाइब्रिड हिर्सुटम वेराइटी है राजस्थान की, मारू विकास जिसको राज HS16 भी कहा जाता है। थर्ड है सविता एंड सूर्या इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिड ऑफ हिर्सुटम। यहाँ नहीं, यहाँ कंफ्यूज मत होना, सविता एंड सूर्या जो है वो इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिड है हिर्सुटम का, एंड बारबाडेंस के अंडर जो आते हैं वो है सुवीन एंड सुजाता। लास्ट इज धनलक्ष्मी। इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, फर्स्ट इज डिलिंटिंग और डिफजिंग मींस रिमूवल ऑफ लिंट एंड फर्स फ्रॉम द कॉटन सीड्स। लिंट मीन्स क्या होता है एंड फर्स मीन्स क्या होता है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन देम। ये जैसे आप समझ लीजिए आपका कॉटन सीड है, ओके, तो और इसमें लेयर होती है, एपिडर्मिस लेयर होती है यहाँ पर। ये जैसे यहाँ पर ब्लू से जो उसके अराउंड में, सीड के अराउंड में जो कवर है उसको एपिडर्मिस की लेयर होती है। वही जब एपिडर्मिस का लेयर हमारा एक्सटेंड होता है तो उसी को हम फाइबर बोलते हैं। फाइबर कुछ नहीं है, यूनिसेलुलर यूनिसेलुलर फाइबर होता है। और ये जो छोटे छोटे हमारे सीड में जो लगे होते हैं अटैच होते हैं छोटे वाले फाइबर्स जो होते हैं उन्हीं को हम फर्स बोलते हैं। फर्स जो है प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं बहुत ड्यूरिंग, जब ये आपस में क्या होते हैं ना, बहुत सारे सीड आपस में चिपक जाते हैं इसके कारण, ये फर्स के कारण। और जब हमको सीड ड्रिल से सोइंग करना रहता है तो एक ही जगह पे बहुत सारे सीड गिर जाते हैं, ये सब प्रॉब्लम आती है फर्स के कारण। इसीलिए इसको रिमूव करना पड़ता है बिफोर सोइंग, या फिर जो भी अगर इसको प्लांटिंग के मटेरियल की जैसे कॉटन सीड को यूज करना है तो इसलिए उससे पहले इसको रिमूव करना पड़ता है। इसीलिए हम ये प्रोसेस करते हैं डीलिंटिंग एंड डीफजिंग। किसके किसके द्वारा किया जाता है, ये कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के द्वारा। तो इसका रेशियो होता है 1:10, मतलब एक पार्ट आपका कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रहेगा तो 10 पार्ट आपका वाटर रहेगा।
ये किस लिए यूज होता है? टू किल हाइबरनेटिंग इंसेक्ट एजेस, अगर सीड कॉटन सीड में या फिर उस फाइबर में कुछ लार्वा अगर आपका प्रेजेंट है, कोई भी हाइबरनेटिंग इंसेक्ट के लार्वा अगर प्रेजेंट है तो इसको किल करने में हेल्प करता है। सेकेंड, डिस्ट्रॉय द डिजीज पैथोजन, या कोई भी डिजीज पैथोजन वगैरह अगर प्रेजेंट है तो उनको भी ये किल करता है। इट मेक्स इजी टू सोइंग एंड जर्मिनेट रैपिडली। नेक्स्ट इज टॉपिंग। टॉपिंग मीन्स रिमूवल ऑफ टर्मिनल ग्रोइंग पॉइंट वंस फ्रॉम द प्लांट एट द हाइट ऑफ 1-1.2 मीटर। टर्मिनल पार्ट को हम, जो भी हमारा मेन स्टेम का जो टर्मिनल पोर्शन होता है उसको काट देते हैं, ताकि जो भी उसकी फर्दर ग्रो होने में जो एनर्जी जा रही थी वो हमारे साइड ब्रांचेस में ट्रांसफर हो जाए, ताकि सिम्बोडियल ग्रोथ को हम फेवर कर सकें, जो कि हेल्प करता है हमारे बॉल फॉर्मेशन के लिए, या पॉट डेवलपमेंट भी बोल सकते हैं। बॉल फॉर्म कॉटन में हम बॉल फॉर्मेशन बोलते हैं, वहीं अगर पल्सेस की बात करें तो वहाँ पॉड फॉर्मेशन बोला जाता है। टू प्रोटेक्ट टर्मिनल ग्रोथ एंड इनकरेज सिम्पोडियल ब्रांचेस एंड बॉल डेवलपमेंट बाय डाइवर्टिंग द एनर्जी फ्लो। नेक्स्ट इज गिनिंग पर्सन। सेपरेशन ऑफ फाइबर फ्रॉम द सीड कॉटन इज नोन एज गिनिंग। जब फाइबर को हम सीड कॉटन से अलग करते हैं तो उसको हम बोलते हैं गिनिंग परसेंटेज। गिनिंग रेंज होता है 30-35%, एवरेज है ये 30-35%। गिनिंग परसेंट का आपको फॉर्मूला भी पूछ सकता है क्वेश्चन में, तो याद रखिएगा वेट ऑफ लिंट अपॉन वेट ऑफ सीड कॉटन टेकन फॉर गिनिंग इनटू 100। ये गिनिंग परसेंटेज का फॉर्मूला है। हाँ, इसको जानने से पहले आप ये जरूर याद रखिएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीड कॉटन एंड कॉटन सीड। सीड कॉटन बोलेगा तो उस सीड के साथ साथ कॉटन का फाइबर भी है उसमें, ठीक। और अगर कॉटन सीड बोलेगा तो प्योर कॉटन सीड्स, देयर इज नो फाइबर इन दिस। तो आप याद रखिएगा डिफरेंस होता है सीड कॉटन और कॉटन सीड्स में। तो जब भी आप इसका आंसर टिक करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, तो आप देख लीजिएगा वहाँ सीड कॉटन लिखा है या कॉटन सीड्स लिखा है, तो सीड कॉटन वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, कॉटन लेंथ इज मेजर्ड बाय एरिलियोमीटर। कॉटन फाइबर की लेंथ को मेजर करने के लिए एरिलियोमीटर का यूज करते हैं। बीटी कॉटन इज रेजिस्टेंट अगेंस्ट द हेलिकोवर्पा स्पॉटेड बॉलवॉर्म developed by US based seed company Monsanto and registered under the name BollGuard. BT cotton क्या है? Bacillus thuringiensis एक soil bacteria है जो एक ऐसा protein release करता है, lethal protein बोल सकते हैं उसको, जो कि insect larva के bollworm को के digestive system को affect करता है, ठीक है। तो इसीलिए उसके अगेंस्ट में हम, बॉलवर्म के अगेंस्ट में हम बीटी कॉटन का यूज करते हैं। तो इसको किसने डेवलप किया था? यूएस बेस्ड सीड कंपनी जिसका नाम है मोनसेंटो एंड रजिस्टर्ड, और उन्होंने एक वैरायटी डेवलप की थी बीटी कॉटन वैरायटी जिसको बॉलगार्ड बोलते हैं। वन बेल ऑफ कॉटन इज इक्वल टू, वन बेल मीन्स आप बोल सकते हैं गांठ टाइप से, या फिर एक एक ट्रेडेबल यूनिट है लिंट को, मतलब या लिंट को परचेस या बेचने के लिए उसको यूज करते हैं हम। मतलब बहुत सारे फाइबर्स को हम आपस में कंप्रेस्ड करके उसमें ऐसा मेटल वायर से या फिर किसी भी चीज़ से बांध देते हैं, तो उसको बोला जाता है एक बेल। जब भी हम परचेस करने जाएंगे तो आप नहीं बोलोगे 1 किलो दे दो या फिर लीटर में दे दो, तो कॉटन को परचेस करते टाइम आपको बोलना पड़ेगा कि 1 बेल यूनिट चाहिए आपको या जैसा भी। तो 1 बेल में आपका कितना केजी आता है? 170 केजी कॉटन आता है। वहीं अगर जूट पूछा जाएगा तो आपका आएगा 180 केजी कॉटन। ये अलग अलग कंट्री के लिए अलग अलग होता है, तो ये कहाँ का है? इंडिया का है। लिंट इंडेक्स, लिंट इंडेक्स के फॉर्मूला ये नहीं है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया। लिंट इंडेक्स मीन्स वेट ऑफ लिंट पर सीड कॉटन, मतलब 100 सीड कॉटन में आपका लिंट का कितना क्वांटिटी है। तो यहाँ पर होगा वेट ऑफ लिंट अपॉन वेट ऑफ 100 kg कॉटन सीड इनटू गिनिंग परसेंट। ओके,
ये 100 यहाँ पर नहीं आएगा। इसका फॉर्मूला मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, आप कॉपी में नोट डाउन या जो भी नोट्स वगैरह बना रहे हो वहाँ पे नोट कर लीजिए। वेट ऑफ लिंट अपॉन वेट ऑफ 100 सीड कॉटन इंटू गिनिंग परसेंट, ये होता है लिंट इंडेक्स, मीन्स वेट ऑफ लिंट पर सीड कॉटन। पर सीड कॉटन में आपका लिंट कितने क्वांटिटी में है। नेक्स्ट इज द ऑयल कंटेंट इन देसी कॉटन इज, देसी देसी लोगों को थोड़ा तेल वाला खाना ज्यादा पसंद है, तो कितना परसेंट था उनका, 26% एवरेज, वाइल अमेरिकन कॉटन में 14-18%। यहाँ पे वही बताया कि सीड कॉटन मीन्स क्या होता है, लिंट प्लस कॉटन सीड्स, और कॉटन सीड्स मतलब प्योर सीड्स विदाउट लिंट, लिंट फाइबर को ही बोलते हैं। द अपियरेंस ऑफ फ्लावर बर्ड इन कॉटन इज नोन एज स्क्वायर, द फर्स्ट अपियरेंस, जब भी फ्लावर बर्ड का फर्स्ट अपियरेंस होता है तो वो ग्रीनिश कलर का थोड़ा दिखाई देता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर। एंड फ्रूट, और फ्रूट को क्या बोलते हैं, बॉल या कैप्सूल। लिंट परसेंट इन कॉटन इज 33%, फाइबर थिकनेस इज मेजर्ड बाई नेपिनेस। नेक्स्ट इज स्पिनिंग परफॉर्मेंस इज मेजर्ड बाई नंबर ऑफ काउंट्स। नेक्स्ट टॉक्सिक पिगमेंट या फिनोलिक कंपाउंड प्रेजेंट इन द कॉटन सीड्स आर कॉल्ड एज गोसाइपॉल। ये टॉक्सिक सब्सटेंस जो कॉटन में प्रेजेंट होता है, फिनोलिक सब्सटेंस या फिनोलिक कंपाउंड, दैट इज कॉल्ड एज गोसाइपॉल। कॉटन सीड्स में फीड आफ्टर रिमूविंग लिंट, कॉटन सीड्स मीन्स प्योर सीड्स विदाउट द प्रेजेंस ऑफ फर्स या फिर लिंट उसमें नहीं प्रेजेंट होगा, दैट इज कॉल्ड एज कॉटन सीड्स। वीड मैनेजमेंट देखते हैं कॉटन का, तो इम्पॉर्टेंट कौन कौन से वीड होते हैं कॉटन क्रॉप में, ट्राइएंथेमा, इकाइनोक्लोवा स्पीशीज, डाइसेरिया स्पीशीज, ये मेन तीन क्रॉप सॉरी वीड हैं जो कि कॉटन क्रॉप में लगते हैं। तो इनके कंट्रोल के लिए हम कौन सा हर्बिसाइड्स यूज करते हैं, प्री एमरजेंस और पोस्ट एमरजेंस में हम डायूरॉन यूज करते हैं, जो कि 0.5 kg एक्टिव इंग्रेडिएंट पर हेक्टेयर होता है। मोस्टली डायूरॉन को कॉटन हर्बिसाइड भी बोला जाता है। कॉटन इज हाईली सेंसिटिव टू 2,4-D एंड ग्लाइफोसेट। तो ये कभी भी कौन कौन सा हर्बिसाइड नहीं यूज करना चाहिए कॉटन में अगर पूछेगा तो 2,4-D एंड ग्लाइफोसेट आर द मेन एग्जाम्पल ऑफ दिस, क्योंकि ये ब्रॉड लीफ के लिए यूज किया जाता है और कॉटन का भी जो हमारा कॉटन लीव्स भी होते हैं वो ब्रॉड लीफ होते हैं, क्योंकि इनको भी डैमेज कर सकता है। 2,4-D रेजिस्टेंट कॉटन जीन, वो क्या है, TFDA। नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, फर्स्ट है तिरक, या फिर इसको बोलते हैं बॉल बॉल, बैट बॉल ओपनिंग ऑब्लिक प्रीमैच्योर डिफेक्टिंग ओपनिंग ऑफ बॉल्स ड्यू टू, ये किसके कारण से होता है, अर्लिंग सोइंग के कारण या वाटर स्ट्रेस कंडीशन में जल्दी मतलब बॉल ओपन हो जाते हैं, मतलब मैच्योर नहीं हुआ रहता बॉल पूरी तरह से और वो प्रीमैच्योरली ओपन हो जाते हैं, बर्स्ट हो जाता है ड्यू टू सर्टेन रीजंस के कारण, अर्ली सोइंग, वाटर स्ट्रेस, लाइक सैंडी सॉइल है वाटर को होल्ड नहीं कर पाता, वाटर वहाँ से लीच्ड आउट हो जाता है, या फिर अल्कलाइन सॉइल में ये देखा जाता है मेनली। रेड लीफ मोर, रेड लीफ क्या होता है, ये जनरली मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के कारण होता है, अमेरिकन कॉटन सबसे ज्यादा ससेप्टेबल है इसमें। लीव्स टर्न रेड एंड रोल डाउनवर्ड इन सीवरली अफेक्टेड प्लांट्स, द होल लेमिना बिकम रेड लिविंग द वेइंग ग्रीन, एडवर्स कंडीशन में पूरी लीव रेड कलर की हो जाती है एक्सेप्ट वेइंग पार्ट को छोड़कर। क्रिंकल लीफ ऑफ कॉटन मैंगनीज टॉक्सिसिटी के कारण होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रिंकल लीफ ऑफ कॉटन जो है मैंगनीज टॉक्सिसिटी के कारण होता है एंड लिटिल लीफ इन कॉटन जिंक डेफिशिएंसी के कारण होता है, ये दोनों पॉइंट्स आप अच्छी तरह से याद रखिएगा। ऑर्गेनिक कॉटन, इंडिया प्रोड्यूसेस 51% ऑफ टोटल ऑर्गेनिक कॉटन प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड, टोटल ऑर्गेनिक प्रोडक्शन वर्ल्ड में जितना भी होता है उसका 51% इंडिया प्रोड्यूस करता है, और सबसे ज्यादा कौन सा स्टेट में ऑर्गेनिक कॉटन प्रोडक्शन किया जाता है इंडिया में, उसका आंसर होगा महाराष्ट्र।
केमिकल कंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कॉटन, उसमें सबसे ज्यादा सेलुलोज का परसेंटेज होता है, दैट इज 94%, देन प्रोटीन 1.3%, देन पैक्टिक सब्सटेंसेस 1.2%। अच्छा नहीं दिख रहा होगा ना, एक सेकेंड में आपके लिए थोड़ा बड़ा कर देती हूँ इसको। एश परसेंटेजेस 1.2%, फैट एंड वैक्सेस 0.6%, ऑर्गेनिक एसिड शुगर एंड अदर्स इज 1.7%। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बीटी कॉटन के बारे में। फर्स्ट उसकी हिस्ट्री डिस्कस करते हैं। बीटी कॉटन, वी ऑलरेडी नो दैट व्हाट इज बीटी, बैसिलस थुरिंजिनेसिस। ये एक सॉइल बैक्टीरिया में जो एक ऐसा प्रोटीन रिलीज करता है जो कि बॉलवर्म इंसेक्ट के डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करता है ना, मतलब कुछ केमिकल रिलीज करके उन्हें खराब कर देता है जिसके कारण से इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। हिस्ट्री देखते हैं इसका। फर्स्ट बीटी कॉटन, बैसिलस थुरिंजिनेसिस कॉटन, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू इसे बनाया जाता है। बीटी कॉटन डिस्कवर्ड बाय इशिवात्री इन 1901। सबसे पहले इशिवात्री ने इसे आइसोलेट किया था, ठीक है, और डिस्कवर भी इन्होंने ही किया था इन 1901 में। बैक्टीरियम प्रोड्यूस इंसेक्टिसाइडल क्रिस्टल प्रोटीन, जिसको आईसीपी भी बोला जाता है, ऑल्सो नोन एज क्राई प्रोटीन। बैक्टीरियम एक टाइप का लीथल प्रोटीन रिलीज करता है। जेनेटिकली मॉडिफाइड वेराइटी ऑफ कॉटन दैट प्रोड्यूसेस एन इंसेक्टिसाइड। सबसे पहले बीटी कॉटन को मार्केट में कौन लाए थे? मोनसेंटो, यूएसए सीड कंपनी है मोनसेंटो। इन्होंने रिलीज किया बीटी कॉटन की एक वैरायटी, दैट इज बॉलकॉट। 1901 में शिकेतानी इशिवातारी फर्स्ट आइसोलेट द बैक्टीरियम बीटी एज द कॉज ऑफ सोटो डिजीज। फर्स्ट टाइम इशितावारी ने आइसोलेट किया था इस बैक्टीरिया को, कहाँ से? सोटो डिजीज से, जो कि एक सिल्क वॉर्म की एक डिजीज है। उस टाइम पे सोटो डिजीज जो है बहुत सारे सिल्क वॉर्म के डेथ का कारण बनी थी। ये कब हुआ था? 1901 में। 1915 में क्या हुआ? बर्लाइनर रिपोर्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ ए क्रिस्टल विद इन बीटी, बट द एक्टिविटी ऑफ दिस क्रिस्टल वॉज नॉट डिस्कवर्ड। सबसे पहले बर्लाइनर ने बताया था कि वो लीथल क्रिस्टल प्रोटीन जो है वो बीटी में प्रेजेंट होता है करके। 1958 में इन यूएसए बीटी वॉज यूज कमर्शियली, कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए बीटी का सबसे पहले यूज यूएस ने 1958 में किया था। 1961 बीटी वॉज रजिस्टर्ड एज ए पेस्टिसाइड टू द EPA, means Environmental Protection Agency, ने बीटी को रजिस्टर्ड किया था एज अ पेस्टिसाइड। नेक्स्ट 1996 बीटी कॉटन वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन टू यूएस एग्रीकल्चर। फर्स्ट टाइम यूएस एग्रीकल्चर में बीटी कॉटन को यूज किया गया 1996 में। इंडिया में कब आया था? 1995 में। टॉप कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में सबसे पहला आता है गुजरात, सेकेंड महाराष्ट्र, थर्ड तेलंगाना, फोर्थ आंध्र प्रदेश, देन राजस्थान। अगर प्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहला स्टेट आता है हमारा इंडिया में गुजरात, और वहीं अगर एरिया की बात करें तो सबसे पहला स्टेट आएगा आपका महाराष्ट्र। डोंट कंफ्यूज विद द क्वेश्चन। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द कस्तूरी मेथी। इन रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर बन सकते कस्तूरी कॉटन। इन रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर फॉर टेक्सटाइल्स लॉन्च्ड ए ब्रांड एंड अ लोगो फॉर इंडियन कॉटन, के लिए एक ब्रांड और लोगो
डिसाइड किया गया है ऑन द ओकेशन ऑफ सेकेंड वर्ल्ड कॉटन डे पर। ऑन सेवेंथ वर्ल्ड कॉटन डे कब मनाया जाता है? 7 अक्टूबर 2020 में। तो उसी दिन यूनियन मिनिस्टर फॉर टेक्सटाइल्स ने लॉन्च किया एक लोगो या ब्रांड नेम लॉन्च किया कॉटन के लिए, जिसको अब से कस्तूरी कॉटन के नाम से प्रोड्यूस किया जाएगा और बेचा जाएगा। तो वर्ल्ड कॉटन डे के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इस साल उसका थीम क्या था? द फाइबर दैट मूव्स मी। इस थीम ये थीम हमें ये बताता है कि हमारे डेली लाइफ में जो भी कॉटन का क्या इम्पोर्टेंस है और क्यों हमारे लिए ये इतना ज़रूरी है, जो भी फाइबर है या कॉटन है उसको। लॉन्च कब किया गया था? बाय वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO इन 2019 ऑन द इनिशिएटिव ऑफ कॉटन फोर कंट्रीज, बेनिन, बुर्किना फासो, चैड एंड माली। In collaboration with United Nations Food and Agriculture Organization, United Nations Conference on Trade Development and the International Trade Center ITC and International Cotton Advisory Committee, इन सबके साथ collaborate करके World Trade Organization ने 2019 में World Cotton Day को launch किया था। ये इसकी second anniversary थी 2020 में। नेक्स्ट, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको हिंदी में भारतीय कपास निगम लिमिटेड बोलते हैं। CCI वॉज फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड इन 1970 अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स एज ए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अंडर द कंपनी एक्ट ऑफ 1956। कंपनी एक्ट 1956 के तहत मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने CCI का establishment किया था 1970 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? CBD बेलापुर नावी मुंबई महाराष्ट्र में। इसका मेन फंक्शन क्या होता है? टू अंडरटेक प्राइस सपोर्ट ऑपरेशन व्हेनेवर द मार्केट प्राइस ऑफ कॉटन फॉल बिलो द मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विदाउट एनी क्वांटिटेटिव लिमिट। जब भी कॉटन का मार्केट प्राइस जो है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस से भी कम हो जाए, तब जो भी आपका प्राइस सपोर्ट सिस्टम होता है वो आपको CCI फुलफिल करके देती है विदाउट एनी क्वांटिटेटिव लिमिट। वो आपसे आपका जो भी कॉटन का प्रोडक्शन हुआ है वो आपको बाय कर लेगी और उसके अकॉर्डिंग आपको प्राइस भी देगी। अगर किसी वजह से आपका मार्केट प्राइस ऑफ कॉटन जो है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस से भी अगर कम हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है CCI, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। CCI को फ्रेंड ऑफ कॉटन फार्मर्स भी बोल सकते हैं एंड इट इज ए डिपेंडेबल सप्लायर ऑफ कॉटन टू टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। इन प्रेजेंट यहाँ के चेयरमैन का मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? पी अली रानी। द टेक्नोलॉजी मिशन ऑन कॉटन वॉज लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन फरवरी 2000। टेक्नोलॉजी मिशन लॉन्च किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इन फरवरी 2000 में। कॉट अली एक मोबाइल ऐप डेवलप्ड किया गया है CCI के द्वारा, जो कि हमको वेदर कंडीशंस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि कब हमारा जो भी हम क्रॉप लगाना चाह रहे हैं उसकी सुटेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस कैसी होनी चाहिए। व्हाट आर द प्रेजेंट कॉटन सिनेरियो? टॉप थ्री कॉटन प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड, तो फर्स्ट में आएगा चाइना, सेकेंड इंडिया, थर्ड USA। टॉप थ्री कॉटन कल्टीवेशन एरिया इन द वर्ल्ड, अगर वर्ल्ड का पूछेगा तो फर्स्ट है इंडिया, देन चाइना, देन थर्ड इज USA। डोंट कंफ्यूज विद द क्वेश्चंस। यहाँ पे अगर पूछा कॉटन प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड तो चाइना है फर्स्ट में, और कल्टीवेशन एरिया के अकॉर्डिंग कौन सबसे ज्यादा कल्टीवेट करता है कॉटन का, तो वो इंडिया है। टॉप थ्री कॉटन एक्सपोर्टिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, जो एक्सपोर्ट करता है मतलब यहाँ से दूसरे कंट्री में पहुँचाने में, तो उसमें फर्स्ट आएगा USA।
कॉटन कंज्यूमिंग कंट्री, जो सबसे ज्यादा कॉटन कंज्यूम करते कंट्री कौन सी है? इंडिया। टॉप थ्री कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, फर्स्ट गुजरात, प्रोडक्शन में सबसे पहले गुजरात आएगा, सेकंड महाराष्ट्र, थर्ड इज तेलंगाना। टॉप थ्री स्टेट इन कॉटन कल्टीवेशन एरिया इन इंडिया, तो फर्स्ट इज महाराष्ट्र, सेकंड गुजरात, थर्ड इज तेलंगाना। इन इंडिया द कॉटन यील्ड पर हेक्टेयर इन 2017-18 इज 506 केजी पर हेक्टेयर। 2017-18 में कॉटन का जो यील्ड था 506 केजी पर हेक्टेयर था एंड हैड रीच टू द लेवल ऑफ 566 केजी पर हेक्टेयर इन, सॉरी गलत है, 1819 हो गई। द वर्ल्ड एवरेज ऑफ अबाउट 762 केजी पर हेक्टेयर। होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कर दीजिए। लास्ट ईयर सीसीआई के लिए हमने 3 सिलेक्शंस दिए थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी।